सोलन में कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोग भारी संख्या में घर से बाहर निकल रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन ने अब कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जिला प्रशासन का मानना है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, यही कारण है कि अब प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि लोग भारी संख्या में सड़कों पर निकल रहे हैं और खरीदारी के लिए वाहन बाजारों में चहलकदमी कर रहे हैं, जिसके चलते वायरस संक्रमण होने की संभावना बढ़ रही है। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन ने शहरवासियों को बहुत ढील दी थी, जिसका कुछ शहरवासी नजायज फायदा उठा रहे हैं और बाजारों में भारी संख्या में वाहन लेकर आ रहे हैं, जिस पर पुलिस अब चालान करना शुरू कर रही है। उन्होंने बताया कि अगर आप ने कोई खरीदारी करनी है तो अपने घरों के आसपास वाले क्षेत्रों की दुकानों से खरीदारी करें और वाहन के बिना ही बाजार आए, अन्यथा उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला सोलन में कर्फ्यू की जो छूट का समय है वो 8 से 11 है। आम तौर पर ये देखा गया है कहीं कहीं जगह पे लोग काफ़ी गाड़ियों में निकल रहे हैं, हालांकि वो चेकिंग करके वापस उनको जुर्माना करके सीधा ठीक किया जा रहा है। मेरा सभी से आग्रह है कि ढील के दौरान सिर्फ व्यक्ति पैदल बाहर निकलेगा 200 मीटर के दायरे में जहाँ उसकी दुकान है सामान लेके वापस घर जाए, बिल्कुल भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बहुत ही आवश्यक हो तब बाहर निकलें। खासकर जो बुजुर्ग 60 से ऊपर हैं, 10 साल से नीचे बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल ही ना निकलें, कम से कम बाहर निकलें। वायरस को तुम घर में ले जाने की बाहर टहलोगे, वायरस को तुम घर में ना ले जाएं। सारी जो व्यवस्था है उसमें आप पूरा सहयोग दें, ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ।